बाहर निकल के अमी जाए तो देखते हैं कि वहाँ के बगल में कमर पर गोली लाग गई बा। हाँ हम पहले फिर क्या देखें देखवी कि फायरिंग भ गए तो वहाँ के चिल्लाए लगवी तो हम अमी तो दरवाजा खोलवी तो वहाँ के चिल्लात रहवी बस कहवी कि हमरा के गोली लाग गई बा। वो देख सकता नहीं बिछाना पर ब्लड वगैरह लागल बा उ सुटल चौकिया पर जब आवाज भई तब हम हमर छतरिया हटा के आ दौड़नी तो हमरा बुझाइल जब तिमहानी पर आवाज भइल हो जू जब बजल तो कहले भैया हमरा गोली लाग गई। ये सब तो हम के जान सोचना ला रही असन जैसन घटना के हुआ के कह दी। डॉक्टर मैंने सब कुछ आजमाया और तब जाके मैंने माना कि सिर्फ हेमोसान जेड ही है महिलाओं के उन दिनों की हर समस्या जैसे कि कठिन दर्द अनियमितता खून की कमी या कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन टॉनिक। नमस्कार वह देखते हैं झलको गोपालगंज हम उद्देश्य और आज हम पहुंचल बनी फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा गांव में। बता दी कि कल रात यहाँ जौन बाकी प्रदीप सिंह नामक एगो व्यक्ति के कुछ बदमाशों द्वारा कल रात के उनका के गोली से वार कर दिया गया बा जौन की गोली जाके वहाँ के प्रदीप जी के कमर में लागल बाटे। देख सकते नहीं बिछाना पर ब्लड वगैरह लागल बा जैसे फायरिंग की आवाज जौन बाकी परिजन लोग में सुनाई दीवे सब लोग आके देखे तो जौन बाकी गोली लागल हुए और सब लोग मिल के जौन बाकी इलाज खातिर अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर के सुझाव से बेहतर इलाज खातिर जौन बाकी वहाँ के गोरखपुर रेफर कर दिया गया अभी तक तो वहाँ के घर पर नहीं थी जौन बाकी अभी गोरखपुर में डिड बानी और जौन बाकी वो गोली लगला के ऑपरेशन चल रहा बाटे। जौन बाकी परिजन लोग से कुछ जानने की कोशिश कर जी मैडम जौन गोली के तो लग गई गोली तो हमने के तो अंदर रहमी जाए लेकिन जब बाहर निकल के अमी जाए तो देखते हैं कि वहाँ के बगल में कमर पर गोली लाग गई वहाँ के बढ़िया से मतलब खा पी के सुत रही हाँ अभी लेकिन उतना सुतल आ रही रमी जागल है हाँ तले अवे दो तीन आदमी होने से वहाँ के जन कोई राही बटो ही हउ है आयल बाटे कल पर पानी पिए तो ना तो पकड़ले रहती मोटरसाइकिल से रहुए ना पैदल रहुए लो अब उन्हें कहीं लागल हो के गाड़ी तई तो ना बता सके नी जे हाँ। मतलब को आदमी के झुंड रहे बतौले तो के मार को आदमी रहुए लोग तीन चार आदमी माने रहुए हाँ। गोली मार के जौन बाकी फरार हो गए हाँ हाँ पहुँचल बनी हाँ उन्हें पहुँचल बनी नहीं बतौल ना हमनी के नहीं चले के जौन बाकी FIR दर्ज भइल बा अब इहो हम ना बता सके नी वहाँ के कब के गोल बानी गोरखपुर वहाँ के राते चल गई 12-1 बजे रात का ऑपरेशन हो गया अभी ना अभी नहीं खबर पहला बार गोली के मतलब फायरिंग की आवाज़ सुन के वहाँ के लड़की जौन बानी की अमी रहुए पहले अमी हाँ हम पहले अमी फिर क्या देखें देखवी कि फायरिंग भ गए तो वहाँ के चिल्लाए लगवी तो हम अमी तो दरवाजा खोलवी तो वहाँ के चिल्लात रहवी तो बदमाश लोग लौके रहुआ ना भाग गए रह गए लोग फिर वहाँ का कुछ बोलवी ना बस कहवी कि हमारा के गोली लाग गई बा और वहाँ साथे और लोग भी जौन बाकी गई बा गोरखपुर हाँ गोरखपुर रात के गोली लागल हुए हम उबरे ना रही अपना ससुराल रही जब हम वहाँ के बहन बनी हाँ पता चलुए तो हम सवेरे अमी तो देखी जो दो चार आदमी रहुए पुलिस के गाड़ी रहुए लेकर रेफर कर दिल रू गोपालगंज से तो गोरखपुर लेकर रहुए बाद से ऐसा कातिल के सजा देवे के चाहिए जो फिर दोबारा केहू के पलट के ना ऐसा करे हम शक वगैरह शक तो उहे बता सकता रे उ पहचान ले बड़े जिनका गोली लागल पड़े पहले से कोनो विवाद ना रहल ना विवाद ना रहल लेकिन थोड़ा जमीन के कुछ अथी रहल तो ओके कोनो अथी ना रहल लेकिन बहुत दो चार साल पहले के जमीन के अथी रहल ए बेरा तो कोनो ओकर अथी ना रहल जन बाकी मामला शांत हो गए शांत हो गए अच्छा आई जन बाकी अचानक से एक बाइक जन बाकी अचानक के भइल बटे ई सब तो हमके जान सोचना ना रहनी असन जैसन घटना के हुआ के कह दी दादी के जी के जन बानी की चाचा पड़ोसी बानी घर के बगल में यहां के भी घर बा का नाम पड़ी रहल मैनेजर से गोली के तर लग गई अब हम देखी ना वो जो सुतल रहनी वो सुतल चौकिया पर जब आवाज भई तब हम हमर छतरिया हटा के आ दौड़नी तो हमरा बुझाइल जब तिमहानी पर आवाज भइल हो बाकी जब ओजू आवाजवा पर हाँ तो होजू जब बजलू तो कहले भैया हमरा गोली लाग गई तब चिल्लाए लगनी तब सब मैंने जुट गए पूरा भाई रहनी हाँ पिटियाऊ तब अथी हो भतीजा हवन कब के घटना कितना बजे करीब 12 बजे रात का कब 12 बजे रात के भल जौन भी बदमाश वो आदमी के मतलब गोली चलल बा बढ़िया आदमी के वो बदमाश से कौन सा सजा होके चाहिए ओकर तो जीवन कारवास होके के चाही जौन अनका के मुआवे खातिर अब तो संजोग से नहीं बचता रे आके बचिए कि ना बचिए अब तो राब जा दस
बता दी कि बदमाश लोग के द्वारा जो बाकी फायरिंग कल बाटे जी के अगल बगल के लोग के पता चल बा जैसे ही अपड़ा तपड़ी मच गई बा और जौन बाकी वहाँ के बदमाश लोग के पहचान भी कैले बनी और इसी से जौन बाकी दो आदमी के गिरफ्तारी भी भइल बा जौन की मौका पर फुलवरिया थाना पहुँच के दो आदमी के गिरफ्तार भी कैले बा। पहले से बताल जाता कि थोड़ा सा जमीनी विवाद रहे जौन की सुलझ गई बाटे और जौन बाकी अभी तक कोनो विवाद ना रहा एकदम से जौन बाकी हमला बोल के दो तीन आदमी के द्वारा बदमाशों के द्वारा जौन बाकी वहाँ पर फायरिंग कल गई बा जौन की गोली जाकर कमर में लागल बाटे और जौन बाकी वहाँ के ट्रीटमेंट खातिर नजदीकी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर बेहतर इलाज खातिर गोरखपुर भेज दिले बटे। ये वीडियो रहल फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा गांव के। अगर वह वीडियो से सहमत बनी तो वीडियो के शेयर करी।